गाइस नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड फ्लावर 760 टैड पर स्वागत है। आज हम देखेंगे कि पीठ पीछे लोग आपकी क्या बातें करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर तीन पाइल बनाई हुई है, आप देख सकते हो। पहली पाइल रहेगी ये क्रैब, आप देख सकते हो। पाइल टू एलिगेटर यानी क्रोकोडाइल, और ये टर्टल। तो ये तीनों पाइल के ऊपर मेडिटेट करके आप अपनी पाइल चूज़ कर सकते हो। और जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है उनको मैं बता दूं कि आई तीनों पाइल आप पहले देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और अपनी इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ओके गाइस, और ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो आप जब भी देखेंगे आपके साथ रेजोनेट होगी। और ये जनरल रीडिंग होती है गाइस, तो किसी के साथ कुछ बातें तो किसी के साथ कुछ बातें रेजोनेट होगी। ओके, और ये रीडिंग सभी जेंडर के लिए है, सभी इसे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये क्रैब चूज़ किया है पाइल वन के लिए, तो चलिए देख लेते हैं कि पीठ पीछे लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं। पाइल वन जिस किसी ने भी चूज़ किया है, डिवाइन बताइए लोग पीठ पीछे उनके बारे में क्या बात करते हैं। मैं अपने वीडियो में कुछ भी एडिटिंग नहीं करती हूँ गाइस, जैसा मैं बनाती हूँ वैसा ही आपको भेजती हूँ। ये कार्ड मैं लूँगी गाइस, लवर्स, एट ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ सॉर्ड्स, द डेविल, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है फाइव ऑफ कप। एक मिनट में ठीक कर लूँ गाइस, दूसरे डेक से भी देखेंगे। एक पीछे लोग क्या बातें करते हैं, डिजाइन कंट्रोल, थंडरबोल्ट और साइलेंस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास कार्ड है नथिंगनेस। ओके, तो लोग पीठ पीछे आपकी क्या बातें करते हैं हमारा सवाल है, और जवाब ये है गाइस कि मुझे लगता है कि आप अपनी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश रहते हो, उस वजह से लोग बातें करते हैं कि इसको तो सब कुछ कितनी आसानी से मिल गया, उसको तो ज़्यादा कुछ मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, ऐसा लोग सोचते हैं। और आपकी बुराई करते हैं कि ये इंसान तो बहुत ही ज़्यादा घमंडी है और हमारे साथ तो यूनिवर्स कभी भी इंसाफ नहीं करता है और इसके साथ तो हमेशा ही इंसाफ करता रहता है, यूनिवर्स उसको साथ ही देता रहता है, उसके जीवन में तो बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ ही खुशियाँ है। और सच में गाइस आपकी लाइफ में एट ऑफ पेंटिकल आया है जो ये बता रहा है कि आपके लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ है, दोनों का कॉम्बिनेशन बता रहा है। तो लोगों को इस बात से बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, इस वजह से लोग बातें करते हैं कि आपको तो सब कुछ आसानी से मिल गया, और उनको थोड़ी जलन भी होती है कि ये कैसा इंसान है। जैसे यूनिवर्स तो इसके ऊपर पैसों की भी बरसात करता ही रहता है, लोग भी उसको मदद करते ही रहते हैं, हेल्प करते ही रहते हैं, ऐसा लोग आपके बारे में बातें करते हैं गाइस। और टेन ऑफ सॉर्ड का कार्ड ये बता रहा है कि लोग कभी कभी आपको मुंह पर भी कुछ भी कह देते हैं गाइस, फिर भी आप कुछ जवाब नहीं देते हो। क्यों? क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और प्योर इंसान हो गाइस,
इस वजह से आप लोगों को कुछ भी नहीं जवाब देते हो और आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो गाइस। इस वजह से लोगों की भावनाओं को ठेस आपको पहुंचती है, फिर भी आप जवाब नहीं दे पाते हो और उनको हर्ट नहीं करते हो गाइस। ओके, और यहाँ ये टेन ऑफ सॉर्ड और थंडरबोल्ट बता रहा है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करके आप आगे आए हो, लेकिन ये सब लोगों को नहीं दिखता है। अब अभी उनको जो दिख रहा है वही वो फील करके बोल रहे हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा घमंडी इंसान है, इसके पास कुछ ज़रा सा आ गया है तो जब देखो तब दिखावा करता रहता है, बड़ाई मारता रहता है, ऐसा लोग बोलते हैं आपके बारे में। डेविल का कार्ड ये बता रहा है गाइस के लोगों को इस बात से भी जलन होती है कि आप कभी भी लोगों के बारे में नेगेटिव नहीं बोलते हो। मैंने आपको बताया कि आप कितने भी हर्ट हो, कितने भी आपको ठेस पहुँचे लोगों की बातों से, फिर भी आप कभी भी किसी को भी कुछ भी जवाब नहीं देते हैं। इस वजह से लोग सोचते हैं कि ये तो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है और उन्हें ऐसा लगता है कि आप कितने एटीट्यूड और घमंडी इंसान हो और कितने एक चुगलखोर इंसान हो, एक बड़ाई मानने वाले इंसान हो, फिर भी यूनिवर्स उससे सपोर्ट कर रहा है। आपको लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी लोगों के मन में है गाइस, बहुत ही ज़्यादा, डेविल का कार्ड बता रहा है। उन्हें ऐसा लगता है कि आपने बहुत ही आसानी से सब कुछ मिल गया है आपको, लेकिन उन्होंने आपकी पास्ट लाइफ के बारे में बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है, इस वजह से लोग इस तरह से बातें करते हैं। और कुछ लोगों को आपके बारे में, पास्ट लाइफ के बारे में पता है, फिर भी उन्हें आप खुश रहते हो वो अच्छा नहीं लगता है। इस वजह से लोग कुछ ना कुछ आपके बारे में गलत बातें, अफवाहें फैलाते रहते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा एक बड़ाई मानने वाला इंसान है, जब देखो तब अपनी बड़ाई मारता रहता है और जब देखो तब भगवान के बारे मतलब कुछ भी अपने भगवान के बारे में कुछ भी हमें कहता रहता है कि भगवान को मानो तो ऐसा होगा वैसा होगा, तो खुद पहले मानता नहीं होगा और अब उसके पास सब कुछ आ गया है तो भगवान भगवान कह रहा है, इस तरह से लोग आपकी बातें करते हैं गाइस। लेकिन यहाँ मैं देख रही हूँ कि आप पहले से ही, जब छोटे थे तब से ही आप भगवान में बहुत ही ज़्यादा बिलीव रखते हो, आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, इस वजह से आज आप इस मुकाम पे हो कि आपके पास सभी खुशियाँ है गाइस, और आप अभी इतने ज़्यादा पॉजिटिव इंसान बन गए हो, वो लोगों को पछता नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होता है, इस वजह से लोग आपकी उल्टी सीधी बातें कहते हैं। और कंट्रोल, लोगों को लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा लोगों को कंट्रोल करते हो, अपनी बात मनवाते हो और हर पल अपनी बातें, अपनी बड़ाई करते रहते हो हर पल। और साइलेंस का कार्ड ये भी बता रहा है कि लोगों को आप जब, मैंने आपको बताया कि जब आपको लोग कुछ ना कुछ कह जाते होंगे तब आप कुछ जवाब नहीं देते होंगे, तब भी लोगों को लगता होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा दिखावा कर रहा है, कि उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा और आप साइलेंस होकर वहाँ से निकल जाते होंगे और कुछ भी जवाब नहीं देते होंगे, तो लोग तब भी बात करते होंगे कि ये तो बहुत ही ज़्यादा खड़ूस इंसान है और किसी की फीलिंग की उनको कुछ भावनाओं की कदर ही नहीं है, आंसर देने की बजाय वो ऐसे ही चुपचाप चला गया, ऐसा सोचते हैं। और उन्हें लोगों को ये भी लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गाइस, ओके, और इसके लिए भी लोग ये बात करते हैं कि बहुत ही साणा इंसान है, चुपचाप अकेले कुछ भी कर लेगा लेकिन किसी को बताकर या फिर किसी को कुछ भी कहकर कुछ भी नहीं करेगा, मतलब हमें सहभागी कोई भी काम में नहीं करेगा और अकेला ही सब कुछ, जो कुछ भी प्रॉफिट मिलेगा वो अकेला ही खा जाएगा लेकिन हमें कुछ भी नहीं बताएगा, बहुत ही साणा इंसान है।
बहुत ही चतुर और बुद्धिशाली इंसान है, इस तरह से सोचते हैं लोग आपके बारे में। और फाइव ऑफ कप जो बॉटम ऑफ द डेक आया है, जो ये बता रहा है कि कभी कभी आप लोगों की बात आपको चुभ जाती है, फिर भी आप शांत रहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। और मुझे यहाँ ये भी नज़र आ रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा अकेले रहना पसंद करते हैं, और आप अकेले में भी बहुत ज़्यादा खुश रहते हो गाइस। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये क्रोकोडाइल या फिर एलिगेटर चूज़ किया है, तो देख लेते हैं कि लोग पीठ पीछे आपकी क्या बातें करते हैं। पाइल टू, जिस किसी ने भी चूज़ किया है, डिवाइन बताइए कि लोग पीठ पीछे उनकी क्या बातें करते हैं। इतने सारे कार्ड में नहीं लूँगी। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ वांड्स, थ्री ऑफ कप, द डेविल, ओके। 1 minute गाइस। फाइव ऑफ वांड्स, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है नाइन ऑफ कप। ओके, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस गाइस। चलिए दूसरे डेक से देखते हैं गाइस। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस। हमारे पास पहला कार्ड है इंट्रीगेशन, क्रिएटर, और क्लीनिंग टू द पास्ट। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है कार्ड एग्जिस्टेंस। हाय गाइस, तो देख लेते हैं कि हमारे पास जो कार्ड आया है, तो लोग पीठ पीछे आपके बारे में क्या बात करते हैं। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस गाइस। तो नाइन ऑफ सॉर्ड जो ये बता रहा है कि लोगों को लगता है कि आप इस तरह से अपनी लाइफ में अभी भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, अभी भी अपने अपने पास्ट लाइफ से बाहर नहीं निकल पाए हो, इस तरह से लोगों को लगता है। अभी भी आप बहुत ही ज़्यादा मायूस, दुखी, तकलीफ़ में लोगों को दिखते हो, और उन्हें ऐसा लगता है कि अभी भी आप अपने पास से बाहर नहीं निकल पाए हो, इस वजह से आप हर रोज़ रहते हो और आप लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी कर देते हो, तो लोग इस बारे में भी आपके लिए बातें करते हैं। पेज ऑफ वांड का कार्ड ये बता रहा है कि लोगों को लगता है कि आप मैच्योर नहीं हो, इस वजह से अभी भी अपने पास्ट को लेकर साथ में लेकर चलते हो, और वही एक गाना, मतलब वही एक पुराना गाना गाते रहते हो, ऐसा लोगों आपके बारे में बात करते हैं। आपने अभी भी अपने पास्ट लाइफ में जो कुछ भी आपने झेला है, उसको आपने अपनी लाइफ से क्लीन नहीं किया है, दूर नहीं किया है, और अभी भी साथ में लेकर चल रहे हो, तो लोगों को ऐसा लगता है कि आप तो बिल्कुल भी मैच्योर नहीं हो, परिपक्व नहीं हो, और इस तरह से तो लाइफ नहीं जी जाती है, लोग आपके लिए ऐसा बोलते हैं। और थ्री ऑफ कप का कार्ड ये बता रहा है कि लोगों को ये भी लगता है कि कभी कभी आप जहाँ पैसे नहीं खर्चने होते हैं, वहाँ भी खर्च कर देते हो, और बहुत ज़्यादा खर्च कर देते हो, और इस वजह से भी लोगों को लगता है कि आप थोड़े मैच्योर नहीं हो, मतलब पैसों का किस तरह से हिसाब रखना है उससे भी आपको नहीं आता है,
और अब किसी के सामने अपनी भावनाओं को किस तरह से रखनी है वो भी आपको नहीं आता है, लोग इस तरह से आपके बारे में बातें करते हैं। और लोग ये भी बात करते हैं कि जब भी आपके पास पैसे आ जाए तो आप सेलिब्रेट करके उसे उड़ा देते हो, मौज शौक में खर्च कर देते हो, लोगों को ऐसा लगता है। डेविल का कार्ड ये बता रहा है कि आप लोगों के साथ अच्छी तरह से बिहेव नहीं करते हो, लोगों को कुछ भी मुंह पे सुना देते हो वो अच्छी बात नहीं है, और इस तरह से लोग आपके बारे में बात करते हैं कि आपको किसी के साथ किस तरह से बात करनी है वो भी नहीं आता है। फाइव ऑफ वंड का कार्ड ये कह रहा है कि लोगों को लगता है कि ये इंसान जब देखो तब सबके साथ लड़ता ही रहता है, झगड़ता ही रहता है, इसको और कुछ काम नहीं है। और वर्क प्लेस पे हो तो आप सभी के साथ कंपटीशन करते रहते हो तो वो भी लोगों को पसंद नहीं आता है, तो वो अंदर अंदर बातें करते हैं कि ये जब देखो तब हमारे सामने क्यों आ जाता है, और जब देखो तब हमारे साथ पार्टिसिपेट करता रहता है, और जब देखो तब हमारे साथ अपने आप को कंपेयर करता रहता है, तो लोगों को ये बात भी नहीं अच्छी लगती है आपकी। और कभी कभी आप गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल जाते हो, वो भी लोगों को पसंद नहीं आता है गाइस, ओके। और इंटीग्रेशन का कार्ड ये बता रहा है कि लोग ये सोचते हैं आपके बारे में कि आपको लोगों को लगता है कि आप सभी जगह जाकर कुछ ना कुछ दूसरे लोगों की चुगलखोरी करते रहते हो हमेशा ही, और अपनी बात मनवाने में कभी भी झिझक नहीं करते हो, और अपने आप को सराखों पे रखते हो, और मेरी बात ही सुनी जाए ऐसा आपका हर पल कहना होता है, तो ये बात भी लोगों को अच्छी नहीं लगती है। तो लोग इस बारे में भी आपकी बातें करते हैं कि यह जब देखो तब हमारी बातों में टांग अड़ाता रहता है, और कुछ ना कुछ हमारे लिए कुछ ना कुछ नेगेटिव बातें फैलाता रहता है, इस तरह से लोग आपके बारे में बातें करते हैं। क्रिएटर का कार्ड ये बता रहा है कि लोगों को लगता है कि आप चाहो तो एक क्रिएटर बन सकती हो, लोगों को सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़ गाइस, तो लोगों को लगता है कि आप चाहो तो कुछ भी अपने आप से हासिल कर सकते हो, लेकिन आपकी नेगेटिविटी अपने आप पर भारी पड़ती है, और सही मायने में आप अपनी पॉजिटिविटी को नहीं पहचान रहे हो, लोगों को ये भी लगता है। तो लोग पीठ पीछे आपकी बुराई भी करते हैं और अच्छाई भी करते हैं कि ये इंसान चाहे तो बहुत कुछ हासिल कर सकता है, लेकिन उनका बस यही है कि अपनी लाइफ में जो बीत गया है उसका राग अलपता रहता है हर हमेशा हर पल। और क्लीनिंग टू द पास्ट भी यही बता रहा है कि आप अपने पास्ट को अभी भी नहीं भूल पाए हो, इस वजह से थोड़े डरे डरे से सहमे सहमे से रहते हो, तो लोगों को ये बात भी नहीं अच्छी लगती है आपकी। तो यहाँ मैं बस आपको ये बता दूं कि लोग आपके बारे में अच्छा भी सोचते हैं और बुरा भी सोचते हैं, और बुरा इस टॉपिक पर सोचते हैं कि आपको जो मिला है उसका आप सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, और नेगेटिविटी और ज़्यादा ला रहे हो अपने आप में, इस तरह से लोग बातें करते हैं। और लोग आपके बारे में अच्छा भी सोचते हैं कि आप चाहे तो बहुत कुछ बन सकते हो अपनी लाइफ में, लेकिन आप पॉजिटिव सोचना नहीं चाहते लोगों को लगता है। और एग्जिस्टेंस का कार्ड भी ये बता रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हो, और इमोशंस को अपनी लाइफ में जगह नहीं दे पा रहे हो, इस वजह से लोगों के साथ गुस्सा हो जाते हो, कुछ ना कुछ सुना देते हो। तो लोग आपके बारे में ये बात करते हैं कि आपको कभी कभी इमोशंस के जरिए भी सोचना चाहिए, लोगों की भावनाओं की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कदर करनी चाहिए, इस तरह से लोग आपके बारे में सोचते हैं। और नाइन ऑफ कप का कार्ड ये बता रहा है कि आप अपनी फीलिंगों को किसी के सामने रखते हो तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव तरीके से रखते हो, पॉजिटिव तरीके से नहीं रखते हो, लोगों का मानना है, ओके। तो लोग ये भी बातें करते हैं कि जब भी वो हमारे सामने अपने इमोशंस रखता है तो कुछ ना कुछ नेगेटिव अपना कहता है, कुछ अपनी लाइफ में उसने पॉजिटिव भी फील किया होगा वो तो हमें बताता ही नहीं है, सिर्फ नेगेटिव ही नेगेटिव कहता है,
इस तरह से लोग आपके बारे में बोलते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पाइल 3 चूज़ की है तो देख लेते हैं कि पीठ पीछे लोग आपकी क्या बातें करते हैं। ओके, इसे मैं यहाँ रख देती हूँ गाइस। तो चलिए देखते हैं कार्ड के थ्रू पाइल 3 जिस किसी ने भी चूज़ किया है, डिवाइन बताइए कि पीठ पीछे लोग उनकी क्या बातें करते हैं। वन मिनट गाइस, बहुत सारे कार्ड आ गए। ओके, सिक्स ऑफ पेंटिकल, दो कार्ड आए, मैं नहीं लूँगी गाइस, ये कार्ड मैं लूँगी। पेज ऑफ सॉर्ड्स, द मून, टू ऑफ वांड्स, दी एम्परर, और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है सिक्स ऑफ कप। ओके, दूसरे डेक से भी देखेंगे गाइस। न्यू विजन, आइसोलेशंस, सिजोफेनिया। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है इनर वॉइस। ओके, तो मैं पहले कार्ड ठीक कर लेती हूँ गाइस। पीठ पीछे लोग आपकी क्या बातें करते हैं। लोगों को ऐसा लगता है जब भी आप कुछ दान करते हो या फिर मंदिर में जाते हो या फिर गरीब इंसान को देखकर आपके मन में दया आ जाती है, तो ये सिर्फ आपका एक दिखावा है, लोगों को लगता है। लोग ये बात करते हैं कि ये इंसान बहुत ज़्यादा दिखावा करता है और बहुत ही ज़्यादा अपने आप को महान साबित करने की कोशिश करता रहता है हर पल। लोगों को ये लगता है कि ये जब भी अपनी बातों को मनवाना चाहता है तो कुछ इस तरह से हमारे पास आता है, और सॉरी, कुछ इस तरह से हमसे बात करता है कि जैसे हम उसकी बात मान जाए। और कुछ कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें उसकी बात माननी भी पड़ती है। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी ऑफिस में या फिर किसी भी जगह पर बॉस हो, एक हेड की तरह हो, तो लोग आपके बारे में ये बात करते हैं कि ये जब देखो तब अपनी बात मनवाता रहता है, चाहे कोई भी बात हो। और लोगों को लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा खड़ूस इंसान हो और बिल्कुल इमोशनल इंसान नहीं हो, आपके अंदर बिल्कुल भी इमोशंस नहीं हैं, आप एक बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि उनको एक लागणीहीन इंसान लगते हो, भावनाहीन इंसान लगते हो। जब आप लोगों के साथ बातें करते हो तब लोगों को लगता है कि ये फिर से हमारा सर खाने आ गया, ऐसा लोग बातें करते हैं। चाहे आप वर्क प्लेस पर हो, चाहे आप आसपास के अपने लोगों के साथ हो या फिर घर में हो, आप अपना बॉसी एक नेचर है जो हमेशा लोगों के सामने दिखाते हो। इस वजह से लोगों को बात करने का मौका मिल जाता है, और सच में आप बॉसी नेचर के हो। ये जिस किसी भी फाइल है तो लोगों को लगता है कि आप अपनी बहुत सारी बातों को छुपाते हो और हमसे बिल्कुल भी नहीं बताते हो, हमें पता भी नहीं चलने देते हो, लोगों को लगता है। और लोगों को ये भी लगता है कि ये जब देखो तब सोचता ही रहता है, बस थिंकिंग ही करता रहता है, और
कुछ ना कुछ नया ही सोचता रहता है और फिर हमारे ऊपर डाल देता है। लोग ये बात करते हैं और लोगों को आपकी ये बात नहीं पसंद है कि आप बहुत ही ज़्यादा अक्कड़ के लोगों को अपनी बातें कहते हो, तो लोग ये बातें भी एक दूसरे के साथ करते हैं कि ये हमारे पास आएगा, अकड़ से हमारे हमसे कुछ भी हमें कुछ भी बोल देगा और चला जाएगा। और लोग ये कहते हैं कि इसके मन में कभी भी किसी के लिए भी कुछ भी फीलिंग नहीं है, कुछ भी इमोशंस नहीं है, बस वो अपने आप में ही इतना ज़्यादा अहंकारी इंसान है कि क्या बताऊँ। लोग इस तरह से बातें करते हैं और लोग ये भी कहते हैं कि इतना ज़्यादा इगोस्टिक इंसान उन्होंने कभी भी अपनी लाइफ में नहीं देखा है और बहुत ही ज़्यादा चतुर है, चालाक है, बहुत ही अपना दिमाग लगाकर काम करता है और कभी भी अपनी बातों को किसी के सामने नहीं दिखाता है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ये भी बात लोग करते हैं और आप बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से ड्रेसअप भी होते हो, अपने आप को एक कैरी करते हो, वो भी लोगों को अच्छा नहीं लगता है और इस हिसाब से भी लोग बातें करते हैं कि उसके कपड़े तो हमेशा ही अच्छे होते हैं, वो हमेशा ही अपने आप को बहुत ही एक शानदार इंसान दिखाता है लेकिन अंदर से तो एकदम खोखला है। इस तरह से लोग बात करते हैं, अंदर से तो उसके अंदर कुछ भी नहीं है दूसरों के लिए, सिर्फ अपने लिए एक सेल्फिश नेचर है और कुछ नहीं। हर पल वो अपने खुद के बारे में ही सोचता रहता है, किसी और के बारे में तो वो सोचता ही नहीं है। और लोग ये भी बात करते हैं कि आपने शायद अपनी लाइफ में, लव लाइफ में या फिर कोई भी अपनी सिचुएशन को लेकर जो एक पेन देखा है वो किसी के साथ आप शेयर नहीं करते हो। तो लोग ये भी बात करते हैं कि इसके लाइफ में क्या हुआ होगा जो वो इस तरह का इंसान बन गया है। और लोगों को कभी कभी ये बात भी आपकी समझ नहीं आती है कि कभी कभी आप उनके साथ अच्छा बिहेव करते हो तो कभी कभी आप उनको ऊपर गुस्सा हो जाते हो। तो ये बात भी लोग एक दूसरे के साथ बात करते हैं कि ये इंसान तो मुझे अभी तक समझ ही नहीं आया कि वो कैसा है, कभी अच्छी तरह से बात करता है तो कभी अच्छी तरह से बात नहीं करता है और गुस्सा हो जाता है, डांट देता है, चिल्लाता है। लोग इस तरह से बातें करते हैं आपकी। और लोगों को लोग ये भी कहते हैं कि इस इंसान को अपनी आज़ादी बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, बहुत ही ज़्यादा। और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास से इनर वॉइस जो ये बता रहा है कि लोग ये भी कहते हैं आपके बारे में कि इसको हमारे से पहले पता चल जाता है कि हम उसके पास किस लिए आए हैं। तो लोग ये कहते हैं कि शायद इसकी इंट्यूशन पावर बहुत ही ज़्यादा तेज़ है और लोगों के इमोशंस किस तरह से क्या है वो बहुत ही अच्छी तरह से वो भाप लेता है। ये भी लोग बातें करते हैं, आप लोगों के इमोशंस को बहुत ही अच्छी तरह से पहचान जाते हो और आप बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हो, वो भी लोगों को लगता है। आप बहुत ही ज़्यादा चतुर और चालाक इंसान हो, वो भी लोगों को लगता है और लोग इसके बारे में भी कहते हैं। सिक्स ऑफ कप जो बॉटम ऑफ द डेक आया है तो ये बता रहा है कि लोगों को ये लगता है कि आपने शायद अपनी पास्ट लाइफ में एक प्यार भरा लम्हा जो देखा था वो आपका छूट गया या टूट गया, इस वजह से आज आप इतने ज़्यादा एक बहुत ही ज़्यादा एक कठिन इंसान, मतलब कि
बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग इंसान बन चुके हो और अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंगों को अपनी आँखों में, अपने भावों में, अपने बिहेवियर में लाने नहीं देते हो। लोग ये भी बात करते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस।